हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत कोशिका एवं उत्तक, कंकाल तंत्र मतलब अस्थि संस्थान भी कहते हैं, और पेशी संस्थान मतलब मांसपेशी संस्थान, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं लेकर आई हूँ। आज उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं के बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कोशिका एवं उत्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मानव शरीर रचना में एक इकाई है, तो मानव शरीर रचना में एक इकाई कोशिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की पूर्ति के उद्देश्य से विभिन्न अंग मिलकर निर्माण करते हैं, तो किसी कार्य की पूर्ति के उद्देश्य से विभिन्न अंग मिलकर तंत्र मतलब संस्थान का निर्माण करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तक के दूसरे उत्तक से जुड़ने का कार्य करते हैं, तो एक उत्तक से दूसरे उत्तक से जुड़ने का कार्य संयोजी उत्तक करते हैं। ठीक है, आच्छादक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आच्छादक कोशिकाएं शरीर की झिल्लियों में पाई जाती हैं। उत्तकों का निर्माण होता है, उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं के मिलने से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं के समान रूप से पाए जाते हैं, तो वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं के समान रूप से केंद्रक व जीवदक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल नामक पदार्थ किस वर्ग की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नामक पदार्थ वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। अनेक उत्तकों के परस्पर मिलने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो अनेक उत्तकों के परस्पर मिलने वाली संरचना को अंग कहते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में 6 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला आच्छादक उत्तक, दूसरा संयोजक उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, चौथा तंत्रिका उत्तक, पाँचवा तरल उत्तक, छठा जनन उत्तक। शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो शरीर में 6 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है पेशी कोशिका, दूसरा है रक्त कोशिका, तीसरा है तंत्रिका कोशिका, चौथा है अस्थि कोशिका, और पांचवा है संयोजक कोशिका, और छठा है आच्छादक कोशिका। तो शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 6 प्रकार की। और मानव शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, 6 प्रकार के। दोनों ही 6 प्रकार के होते हैं, पर नाम सबके अलग अलग हैं, कोशिका उत्तक के नाम अलग अलग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन आता है कि कोशिका का आकार नापने की इकाई क्या है, तो कोशिका का आकार नापने की इकाई माइक्रोन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये पूछ रहा है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है रेखित या ऐच्छिक पेशी उत्तक, दूसरा है आरेखित व अनैच्छिक पेशी उत्तक, तीसरा है हृदय पेशी उत्तक। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कोशिका और उत्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग अस्थि संस्थान व पेशी संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बच्चों के कशेरुक दंड में कुल अस्थियां होती हैं, तो बच्चों के कशेरुक दंड में कुल 33 अस्थियां होती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कशेरुकाएँ होती हैं, तो एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में 22 कशेरुकाएँ होती हैं। कूल्हे तथा कंधे के स्थान पर कौन सी संधि पाई जाती है, तो कूल्हे तथा कंधे के स्थान पर कंदुखलिका संधि पाई जाती है। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने में सहायक तंत्र कौन सा है, तो कंकाल तंत्र को सुडौलता मतलब सुडौलता और सौंदर्य प्रदान करने में सहायक तंत्र पेशी तंत्र है। मस्तिष्क की अस्थियां किस संधि से जुड़ी रहती हैं, तो मस्तिष्क की अस्थियां अचल संधि से जुड़ी रहती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, तो मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर में सैंडल संधि पाई जाती है, हमारे शरीर में सैंडल संधि हाथ के अंगूठे में पाई जाती है। संख अस्थियां पाई जाती हैं, तो संख अस्थियां कपाल में पाई जाती हैं।
अस्थियों के खोखले भाग को क्या कहते हैं? तो अस्थियों के खोखले भाग को हम अस्थि गुहा कहते हैं। अस्थियों के खोखले भाग में क्या भरा होता है, मतलब अस्थियों के खोखले भाग को अस्थि गुहा कहते हैं और अस्थियों के खोखले भाग में क्या भरा होता है, तो अस्थियों के खोखले भाग में अस्थि मज्जा भरी होती है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि हड्डियों की मजबूती के लिए में कौन सा पौष्टिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हड्डियों की मजबूती में कैल्शियम पौष्टिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्थि संधि से क्या तात्पर्य है? तो अस्थि संस्थान में जहाँ दो अस्थियाँ परस्पर संबंध होता है उस स्थान को अस्थि संधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संधियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो अचल संधियाँ शरीर के कपाल अस्थियों में पाई जाती हैं। अस्थियों की बनावट कैसी होती है? अस्थियाँ बाहर से कठोर व अंदर से खोखली होती हैं जिसमें अस्थि मज्जा भरा होता है। मानव शरीर में लंबी अस्थियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में लंबी अस्थियाँ बाहों एवं टांगों में लंबी अस्थियाँ पाई जाती हैं। छोटी अस्थियाँ शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो छोटी अस्थियाँ हाथों पैरों की उंगलियों में पाई जाती हैं। मानव कपाल में किस प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं? तो मानव कपाल में चपटी अस्थियाँ पाई जाती हैं। हृदय बना है, हृदय हृदय पेशी द्वारा बना है। जो पेशियाँ व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं उन्हें कहते हैं, जो पेशियाँ व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं उन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। कंकाल को सुडौलता व सुंदरता प्रदान करने वाला तंत्र, तो कंकाल को सुडौलता व सुंदरता प्रदान करने वाला तंत्र पेशी तंत्र है। थकान व अनुभव न करने वाली पेशियों को क्या कहते हैं? तो थकान अनुभव न करने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में तीन प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं, पहला ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक, तीसरा हृदय पेशी। पेशियों के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? पेशियों के मुख्य भाग तीन हैं, पहला है मूल स्थान, दूसरा है तुंड, तीसरा है निवेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान अनुभव करने वाली पेशियाँ क्या कहलाती हैं? तो थकान अनुभव करने वाली पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। पेशियों की मरम्मत व स्वस्थ रखने के लिए किस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो पेशियों की मरम्मत व स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। हृदय पेशियाँ कब तक कार्य करती रहती हैं? हृदय पेशियाँ आजीवन कार्य करती रहती हैं। फ्रेंड्स ये कुछ मानव शरीर की कोशिका व उत्तक, अस्थि संस्थान व मांसपेशियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके पेपर में